जहानाबाद जिले के ओकरी ओपी क्षेत्र स्थित गंगापुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बच्चे अंकित की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक वह गांव के बधार में गया था और इसी बीच वह बिजली के टूटे तार की चपेट में आ गया। अंकित की मौत से गांव में मातम पसर गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रामबली यादव अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद विधायक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर कोरोना से मौत की बात कहकर पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। गंगापुर है, मोदनगंज प्रखंड के जयतीपुर कुरुआ पंचायत का एक टोला है, जहां 8 वर्षीय अंकित कुमार का विकास यादव का देहांत हो गया बिजली के करंट लगने से। पुलिस गई, पुलिस ने बजाबता लिखा कि हमने लाश को पाया, हाथ जला हुआ है, यानी बिजली के करंट से मौत हुई। यहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन डॉक्टर ने पुर्जी पर लिख दिया कि कोरोना का मरीज। 30 बाबू को सरकार को ऐसे मामलों को तय करना चाहिए कि हमारी पुलिस सच बोलती है कि डॉक्टर सच बोलते हैं। बिना जांच के, बिना कोई परीक्षण के, बिना पोस्टमार्टम के ये डॉक्टर जिसने कोरोना कह करके लाश को अभी तक बिलमाए रखा, ये डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, दोष है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, डॉक्टरों को जिम्मेवार बनाए।